मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम गुरु तेग बहादुर कॉलेज फॉर वुमेन लहलकुंद। टुडे वी डिस्कस अबाउट कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रो हम करेंगे, कंसीडर द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ एक्स इन ए बी, लेट इट बी कॉन्टीन्यूस एंड पासिंग टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ए बी, यानी हमारे पास कोई फंक्शन होता है और उसके पास से कोई टेंजेंट जाता है जिस पॉइंट से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कब कॉनकेविटी होएगा और कब कॉन्वेक्सिटी होएगा। ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जहाँ वो पी पॉइंट बनाएगा सी एफ सी ऑन द कर्व। लेट अस अज्यूम दैट दिस टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो ये पॉइंट जो ये कर्व होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल कभी भी नहीं होगा। सो इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस सो दैट एफ डैश एक्स इज सम फाइनेट नंबर, ये वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो ये हमें कुछ फाइनेट नंबर देगा। देर आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज, तो इससे हमारे पास कोई थ्री पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो हमारे पास थ्री कंडीशंस बनेंगी, तो उसके बारे में हम फर्स्ट कंडीशन जो करेंगे, फर्स्ट हमारे पास ग्राफ ये है, ये तो हमारे पास कोई टेंजेंट है और ये हमारे पास कोई कर्व है, ये जब ऊपर कट करती है यानी टेंजेंट के ऊपर, कहते यहाँ पे ये कोई पी पॉइंट है, पी लाइज अबव द टेंजेंट, जब जो पी पॉइंट है वो अबव यानी पी अबव करेगा टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन, जब ये ऊपर है इसका मतलब क्या है, जो ये डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इन दिस केस वी सी दैट द कर्व इज कनकेव अपवर्ड, जब ये ऊपर होगा तो हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड, यानी जब ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। ये याद रखना है कि जब पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड होगा और कन्वेक्स डाउनवर्ड। हम इसको सम में कैसे करेंगे, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी कोई फंक्शन हमारे पास गिवन होगा अगर उसका डबल डेरिवेटिव करने के बाद वो जीरो से बड़ा आता है तो वो ऑलवेज क्या होगा, कनकेव अपवर्ड। तो हमें ग्राफ से भी याद रखना है कि जब टेंजेंट के ऊपर कोई कर्व बनता है तो वो कनकेव अपवर्ड होता है और कन्वेक्स डाउनवर्ड होता है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही थी कि जब वाई एक्सिस पॉजिटिव है और जो कर्व है वो टेंजेंट के ऊपर है यानी अपवर्ड है, इट मींस वो क्या होगा, कनकेव तो अपवर्ड होगा लेकिन कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। सम में हम इसको कैसे करेंगे, जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तो वो कनकेव अपवर्ड होगा, वो समय प्रूफ करने के लिए बोलेंगे कि बताओ ये कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड। सेकेंड कंडीशन क्या है, P lies below the tangent, जब ये tangent है कोई tangent के below जब कोई curve है P तो वो क्या होगा, negative direction यानी जब नीचे आ गया तो वो negative y axis क्या हो गया, negative, then this case we say that curve concave downward, जब ऊपर था तो upward था, जब नीचे यानी y negative आ गया तो concave downward और convex अपवर्ड होगा। अब इसमें क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया तो वो क्या बनेगा, कनकेव डाउनवर्ड। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, अपवर्ड में वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड में वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। थर्ड है कि जब हमारे पास ये दोनों किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगे, पी लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द टेंजेंट, यानी अलग अलग टेंजेंट से वो किसी एक पॉइंट पे, यानी इधर से नेगेटिव हो गया ऊपर से पॉजिटिव हो गया, एट पी देयरफॉर कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट पी, यानी जो कर्व है उसने टेंजेंट को क्रॉस किया किस पॉइंट पे, पी पे। इन दिस केस वी से दैट पी इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, तो पॉइंट क्या बनेगा, ना तो डाउनवर्ड बनेगा और ना ही अपवर्ड, अगर वो बीच में किसी कर्व को क्रॉस करके कट करेगा तो वो बनेगा इनफ्लेक्शन पॉइंट। और इसकी कंडीशन क्या होगी, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो हम बोलेंगे ये क्या है, इट इज़ अ इनफ्लेक्शन। तो हमें तीन पॉइंट किए कनकेविटी के, एक तो था अपवर्ड
कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड कब होगा, जब वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, यानी टेंजेंट तो नीचे है कर्व ऊपर है, तो ये बनेगा कनकेव अपवर्ड लेकिन कन्वेक्स डाउनवर्ड। और एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारा ये चीज़ प्रूव होगा तो हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड है। सेम ऐसे ही जब कर्व नीचे बनेगी तो हम बोलेंगे कनकेव डाउनवर्ड लेकिन कन्वेक्स अपवर्ड। जब यानी ये ऐसे याद रखेंगे, अगर तो बड़ा है तो अपवर्ड होगा, वो ऊपर ही रहेगा, अगर ये छोटा है एफ डैश डबल डैश एक्स तो वो छोटा हो गया तो वो डाउनवर्ड आएगा। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर क्रॉस करके जाएगा तो ना अपवर्ड और ना ही डाउनवर्ड, तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसकी कंडीशन क्या होगी, जब एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो के, तो इसे हम कौन सा बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो तीन पॉइंट हमने करे थे, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड और कनकेव इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और इसके जो वर्किंग रूल है सम करने का, वो वही है वर्किंग रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका डबल डेरिवेटिव। फिर हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ए बी इज़ अ इंटरवल ऑफ बीइंग कनकेव डाउनवर्ड, कन्वेक्स डाउनवर्ड। अगर ये क्या होगा, डब ग्रेटर देन होगा तो कन्वेक्स डाउनवर्ड, कनकेव अपवर्ड। ये याद रखना है, कन्वेक्स तो डाउनवर्ड होगा, कनकेव अपवर्ड होगा। और थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड द इंटरवल फॉर विच, अगर ये लेस देन हो गया देन ए बी इंटरवल ऑफ कन्वेक्स अपवर्ड, अगर ये ग्रेटर देन है तो कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, अगर ये लेस देन है तो कन्वेक्स अपवर्ड होगा। तो नेक्स्ट इसी बेस पे हम एग्जांपल करेंगे। उसने बोला है प्रूफ दैट कर्व वाई इक्वल टू ई एक्स इज़ अ कनकेव अपवर्ड फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें पता होना चाहिए कि कनकेव अपवर्ड कब होता है। कंडीशन याद रखने है कि जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो क्या होगा, कनकेव अपवर्ड। तो उसके लिए हमारे पास y इक्वल टू ई एक्स गिवन है, तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स। फिर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ई एक्स का दोबारा फिर क्या होगा, ई एक्स ही। तो जो x है वो किस में से बिलोंग करता है, रियल नंबर में से, रियल नंबर यानी इसमें जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सो हम लिख सकते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन जो फंक्शन है वो हमारे पास होगा कनकेव अपवर्ड। इसी तरीके से हमें सम करने हैं, वाई दे रखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड, कंडीशन भी गिवन होगी जो एक्स था वो रियल नंबर में से बिलोंग करता था, इसीलिए हम कह सके कि ये ग्रेटर देन जीरो है। सो जो हमारा फंक्शन था वो क्या हो गया, कनकेव अपवर्ड। सेम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट द ओरिजन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स वन बाई थ्री। हमारे पास एग्जाम्पल है, शो दैट द ओरिजन इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ, सेम हमने यही देखना है कि हमारे पास कर्व क्या दे रखी है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे इसमें से वन माइनस करेंगे, वन बाई थ्री माइनस वन, तो ये बनेगा वन बाई थ्री एक्स माइनस टू बाई थ्री। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, वन बाई थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस टू बाई नाइन एक्स माइनस फाइव बाई थ्री। अब जो ये फंक्शन है ये हमारे पास बचा माइनस टू बाई नाइन एक्स फाइव बाई थ्री, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, शो दैट द ओरिजन ऑफ एट इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन हमने कब बोला था, जब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो आए, लेकिन ये जीरो तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से, सो इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो
तो ये तो हमारा एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो या तो ये ग्रेटर होगा या फिर ये लेस देन होगा। तो इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, कि इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। अब हमारे पास ये जीरो के इक्वल तो नहीं आया, अगर जीरो के इक्वल नहीं आया तो ये क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो नाउ अब हम वही कंडीशंस करके दिखाएंगे। उन्होंने बोला शो दैट ओरिजन इज अ पॉइंट, ओरिजन की बात की है, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, या तो वो जीरो से बड़ा होगा। अगर ये जीरो से बड़ा है 4x, x क्या होगा जीरो से छोटा। और क्या सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होगा, 4x क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। तो अब कहता है देयरफॉर जो डबल डेरिवेटिव है चेंजेस साइन एट x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जब इसका एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये साइन चेंज करेगा, सो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सेम ऐसे ही जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा जीरो जीरो ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ें कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम गुरु तेग बहादुर कॉलेज फॉर वुमेन लहलकुर्द। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने किया था कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन। तो उसी के बेस पे हम आज एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में दिया है शो दैट द कर्व वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हैज़ 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमने प्रूव करना है कि इसके 3 पॉइंट निकलेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वाई हमारे पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम फर्स्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उस सारे की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम पहले ही बाहर निकाल देते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव वन, यहाँ से ए स्क्वायर तो बाहर आ ही गया, अंदर बचा एक्स, और इस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो और उसका करेंगे तो 2x। तो ये बना हमारे पास ए स्क्वायर, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई की तो माइनस 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमारा बाहर ही पड़ा है, ए स्क्वायर इन दोनों को किया तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेम वैसे ही ए स्क्वायर तो हमारा सेम बाहर ही आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर तो सेम, और ए स्क्वायर माइनस वाले का करेंगे तो ये बन गया माइनस 2x। माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो सेम, इसका करेंगे एक बार तो 2a² प्लस एक्स स्क्वायर सेम, और एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। ये सारा डेरिवेटिव हम प्लस 2 में करते थे। ए स्क्वायर यहाँ से, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इन टू में माइनस 2x। यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट बना लो चाहे, यहाँ पे ये वाली माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला हमने बाहर निकाल दिया, 2 2 जा 4x हो गया। डिवाइड में ये पड़ा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल, इससे एक को काटेंगे तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर, अंदर अंदर दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस 2, या हम कॉमन निकाल देते हैं, माइनस 2x हमारा दोनों में से कॉमन निकल गया। कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2x, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a² प्लस 2x² डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 4 था, एक कट कर दिया तो यहाँ पे कितने बचे,
3, तो ए स्क्वायर माइनस 2x हमारा ए स्क्वायर, और ये माइनस का हमने बाहर निकाला था, ये माइनस यहाँ से भी माइनस का निकलेगा, तो यहाँ पे ये प्लस होगा और ये माइनस, प्लस 3a² इसमें से ये कट करेंगे माइनस x² a² प्लस x² की होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, नाउ डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो, जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये भी इक्वल टू जाके जीरो, ये भी जीरो, मतलब माइनस 2x, इसको हम बना सकते हैं रूट 3 की होल स्क्वायर माइनस x² डिवाइड बाई a² प्लस x² इक्वल टू जीरो। ये तो इक्वल टू जाके हमारा ख़त्म ही हो गया, माइनस 2x 3a माइनस x रूट 3a प्लस x इक्वल टू जीरो। तो हमने 3 पॉइंट शो करने थे इन्फ्लेक्शन, तो हमें 3 पॉइंट ही यहाँ से मिलेंगे, एक तो माइनस 2x को जीरो के इक्वल रखेंगे, एक रूट 3 इक्वल टू जीरो रखेंगे, रूट 3 प्लस x इक्वल टू जीरो रखेंगे। एक तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो आ गई, यहाँ से x की वैल्यू रूट 3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस रूट 3 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेंगे, 0 0 रूट 3a। अब यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, वो आएगी रूट 3a डिवाइड बाई 4, माइनस रूट 3a पुट करेंगे तो आएगी माइनस रूट 3। तो यही हमने 3 पॉइंट यहाँ पे फाइंड करके दिखाने थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वही किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आया था, फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया वो ये आया था, फिर उसको इक्वल टू जीरो रखा और वहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट फाइंड हो गए। जो हमारा नेक्स्ट है वो भी यही एग्जांपल है, शो दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व लाइज ऑन वन लाइन, कि इस लाइन के ऊपर वो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेके चलेंगे 5² इक्वल टू हमारे पास गिवन है x माइनस होल स्क्वायर x माइनस बी, स्क्वायर में है तो इसीलिए इधर रूट कर देंगे, जब रूट करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, अकेला बचेगा x माइनस ए और इधर क्या बनेगा रूट x माइनस बी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, अब dy/dx निकालने के लिए u भी लगाना पड़ेगा, u सेम यानी x माइनस ए सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 x माइनस बी प्लस x माइनस बी सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1, तो ये हमारे पास बना x माइनस ए डिवाइड बाई 2 x माइनस बी प्लस x माइनस बी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पहले इसको हम सही कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 2x माइनस बी, एक्स माइनस ए तो सेम ही आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस बी, तो इसको करेंगे एक्स माइनस ए तो सेम ही है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, तो हमारे पास बनेगा x प्लस 2x 3x माइनस ए माइनस 2b डिवाइड बाय 2 रूट एक्स माइनस बी, तो ये हमारे पास आया dy/dx। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस 4x माइनस बी, क्योंकि जब इसकी स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2x माइनस बी तो सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x का करेंगे 3, बाकी सारा ख़त्म, 3x माइनस ए माइनस 2b ये सेम, इसका करेंगे 2 सेम, 1/2 x माइनस बी, 2 से 2 फिर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 3 6 रूट एक्स माइनस बी माइनस 3x माइनस ए माइनस 2b, इसको ब्रैकेट में रखेंगे डिवाइड बाय x माइनस बी, और इस सारे के नीचे x माइनस बी हमारे पास पड़ा है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास रूट से रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस बी, 3x माइनस को अंदर लेके जाएंगे ये प्लस ये भी प्लस, डिवाइड बाय 4
एक्स माइनस बी, ये हाफ है ये वन है, तो ये थ्री बाई टू बनेगा। तो आगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी एक्स सिक्स एक्स माइनस सिक्स बी माइनस थ्री एक्स प्लस ए प्लस टू बी डिवाइड बाई फोर एक्स माइनस बी उसकी सारी पावर थ्री बाई टू, सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स, तो ये थ्री एक्स बचा प्लस ए और सिक्स बी और ये माइनस फोर बी डिवाइड बाय फोर एक्स माइनस बी थ्री बाई टू। हमें प्रूव करना था कि थ्री एक्स प्लस ए इक्वल टू फोर बी, फोर बी। तो हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। इक्वल टू ज़ीरो लेने के बाद थ्री ए माइनस फोर बी बाई फोर एक्स माइनस बी थ्री बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, ये सारा उधर जाके ज़ीरो, थ्री एक्स प्लस ए माइनस फोर बी इक्वल टू ज़ीरो, थ्री एक्स माइनस इक्वल टू ज़ीरो। यही हमने प्रूव करना था कि जो ये कर्व है वो इस लाइन के ऊपर से जाती है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनाती है।